वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे स्वाल कंपनी के पटेला तथा यूपीएल कंपनी के आयरिस हर्बिसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जो रसायन है वह दोनों में सेम है, बस कीमतों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। किसान भाइयों, आगे जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दें अपना कृषि संसार चैनल को तथा बेल आइकन दबा दें, ताकि कृषि क्षेत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां समय पर मिल सके। तो यह सकरी तथा चोड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करता है, परंतु इस्तेमाल का समय जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, तब हमें पटेला एवं आयरिस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यह मुख्य रूप से चोड़ी पत्ती के खरपतवारों में बोकना बड़ी दूधी को नष्ट करने में थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इनका अलग से नियंत्रण करने के लिए क्लोबेन दवा का इस्तेमाल करें, जिससे कि बोकना तथा बड़ी दूधी की समस्या भी खत्म हो। किसान भाइयों, छिड़काव के 5 से 10 दिन बाद इसका खरपतवारों पर नियंत्रण दिखने लगता है। कीमत की बात करें तो 200 ml 300 से 350 रुपये में मिल जाती है, 400 ml 650 से 700 रुपये में मिल जाती है, वहीं 1 लीटर की बोतल 1400 से 1500 रुपये में मिल जाती है। अगर बात करें डोज की तो 400 ml प्रति एकड़ तथा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों दवाओं का शानदार रिजल्ट है। वहीं बात करें इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां रखना है, तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप फ्लैट फ्लैन नोज़ल का इस्तेमाल करें, जिससे कि दवा संपूर्ण रूप से एक समान रूप से खरपतवारों को लग सके। वहीं बात करें तो 1 एकड़ में 400 ml दवा का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, वर्षा काल में अगर स्प्रे करते हैं तो 3 से 4 घंटे तक वर्षा ना हो। इनका इस्तेमाल 25 दिन की फसल होने के बाद करें। अगर कहें तो फसल की छोटी अवस्था में इस्तेमाल करने से फसल को झटका जाता है, जिससे कि उसे जल्दी ग्रोथ करने में दिक्कत होती है, परंतु 25 दिन के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो एसी फ्लोरफेन 16.5% प्लस क्लोडिनोफोप प्रोपाजाइल 8%, जो कि इसी फार्मूलेशन में होता है। तो किसान भाइयों, यह थी स्वाल कंपनी के पटेला तथा आयरिस की संपूर्ण जानकारियां। किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अपना कृषि संसार यूट्यूब चैनल को तथा बेल आइकन दबा दें। किसान भाइयों, पटेला एवं आयरिस के कीमतों में अंतर हो सकता है,